नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बेडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 के टिप्स एंड ट्रिक्स और इसके फीचर्स के बारे में बातें। इस फोन में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड 11 और उसके ऊपर में आप लोगों को कस्टम OS सैमसंग का One UI 3.1 एकदम लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाता है। तो आज इस वीडियो में देख लेंगे क्या कुछ नए फीचर्स है इस फोन के अंदर में जो आपके डेली यूज को काफ़ी अच्छा बना सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज देरी ना करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो काफ़ी लंबा होगा इसलिए वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट वन में आधे फीचर्स होंगे, पार्ट टू में दूसरे आधे फीचर्स मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट फीचर से। और फ़ोन को हाथ में पकड़ने के बाद फर्स्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा और सबसे फर्स्ट नोटिस में आया वह है यहाँ पर प्रो मोड वीडियो कैमरा। नॉर्मली फोन्स के अंदर प्रो मोड में फ़ोटो कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन इस फ़ोन में आप लोगों को प्रो वीडियो सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं मोड के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको प्रो वीडियो देखने को मिल जाएगा। प्रो वीडियो के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को शटर स्पीड से लेके ISO से लेके एक्सपोजर वैल्यू, ऑटो फोकस और वाइट बैलेंस भी आप लोग यहाँ पर मैनुअली कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है और ये जनरली हाई एंड स्मार्टफोन्स में रहता है, लेकिन यहाँ पे ये फीचर इनबिल्ट दिया गया है। इसके अलावा फोटो मोड में एक और कूल ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ। नॉर्मली यहाँ पे 64 मेगापिक्सल मोड आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल मोड देखने को नहीं मिलेगा। मोड में जाएंगे तो भी आप लोगों को यहाँ पे 64 और फ्रंट का 32 मेगापिक्सल देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग पहले सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर चुके हैं तो आपको पता है, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूँ, 3:4 को आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 64 मेगापिक्सल मोड। देख सकते हैं चेंज करके 64 मेगापिक्सल मोड में आप कर सकते हैं और फ्रंट में भी सिमिलर वे में आप लोग 32 मेगापिक्सल का कैमरा स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा कैमरे का एक और कूल ट्रिक है, यहाँ पे नॉर्मली एक शटर बटन दिया जाता है, लेकिन अगर आपको दो शटर बटन चाहिए या फिर शटर बटन कहीं और पर प्लेस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली ड्रैग करके आप दूसरा शटर बटन निकाल सकते हैं और उसकी मदद से फोटो इजीली क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली स्क्रीन को नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपका मेनू मिल जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ड्रॉअर देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा हैंडी फीचर है, लेकिन अगर बाय चांस ये डिजेबल रहता है, वन यू थ्री में ये इनेबल होकर ही आ रहा है, लेकिन बाय चांस अगर डिजेबल रहता है तो आप इसको इनेबल भी कर सकते हैं सेटिंग में जाके। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, इसको आपको ऑन रखना है और आपका सिंपल स्वाइप से आपका नोटिफिकेशन पैनल ऊपर से नीचे आ जाएगा। और दोस्तों इस बार विजेट को इस्तेमाल करना काफ़ी ईजी है। किसी भी ऐप का अगर आपको विजेट चाहिए होम स्क्रीन के ऊपर तो आपको विजेट के अंदर जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली किसी भी ऐप को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सब मेन्यू मिलेगा। सब मेन्यू के अंदर अगर उस ऐप का विजेट है तो वो आप लोगों को विजेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और उसका कैसे कैसे विजेट्स है वो आप लोग देख सकते हैं एक ही बार में, और अगर आपको किसी को ऐड करना है तो उसको ऐड कर सकते हैं। हालांकि सभी ऐप के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जिन सब ऐप का विजेट्स होता है उन सब ऐप के लिए ये एप्लीकेबल है। दोस्तों इस फ़ोन का जो नोटिफिकेशन टॉगल्स है वो कुछ इस तरह से दिखता है और यहाँ पर काफ़ी सारे यूज़फुल टॉगल्स भी दिए गए हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टॉगल्स ऐसे हैं, लेकिन टॉगल्स के अंदर भी आप लोगों को सब मेनू देखने को मिलता है। जैसे टॉर्च अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो सिंपली आप ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टॉर्च का लेवल चेंज करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। टॉर्च के लिखावट के ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप ब्राइटनेस लेवल से यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा अपने पसंद के हिसाब से आप ब्राइटनेस को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ ऑन या ऑफ ना करके। सिमिलर वे में आप यहाँ पे आई कंफर्ट मोड को चेंज करके उसका कलर टेम्परेचर कम ज़्यादा यही से कर पाएंगे। वाईफाई कॉलिंग का फीचर आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग को आप सिंपली यही से अगर चाहे तो इनेबल कर सकते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पे सिक्योर फोल्डर इनबिल्ट मिल जाता है। सिक्योर फोल्डर के अंदर आप अपने सैमसंग अकाउंट से लॉग इन करके अपने पर्सनल फाइल्स, फोटोज़, वीडियोज़ वगैरह यहाँ पर छुपा के रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर NFC का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो NFC की मदद से आप लोग पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। और इसी के साथ में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन ऑफ करने का ऑप्शन भी दिया गया है। अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड यहाँ पे आप लोग इनेबल कर सकते हैं, इसको अगर आप लोग इनेबल करेंगे तो
तो आपका एकदम मिनिमल डेटा यूज़ होगा और आपका बहुत ज़्यादा डेटा सेव हो जाएगा। अगर आपके पास लिमिटेड डेटा है तो आप इसको इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। और सिर्फ इतने सारे ही नहीं, और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन टॉगल्स हैं, उनको अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड के बटन के क्लिक करके आप यहाँ से सारे आइकन्स को यहाँ पे नीचे लेके आ सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आइकन्स हैं जिसको आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो स्कैन QR कोड का मोड आपको यहाँ पे मिल जाता है। डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि A32 में ये फीचर नहीं था, A52 सीरीज से आपको ये फीचर मिल जाएगा। यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोग चालू कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ में नियर बाय शेयर का एक ऑप्शन काफ़ी अच्छा एक फीचर है। इसको ऑन करने के बाद आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे जेंडर इन सब को यूज़ किए भी नहीं दूसरे फ़ोन से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी वाईफाई नेटवर्क के मदद से काफ़ी फास्ट वे में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का आपको ज़रूरत नहीं होगा। फोकस मोड एक काफ़ी अच्छा फीचर है। अगर आप फोकस मोड को ऑन करते हैं तो पर्टिकुलर कुछ ऐप्स को लेके ये फोकस मोड चालू रहता है, बाकी सारे ऐप्स इस टाइम के अंदर बंद रहेंगे। आप उन ऐप्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक आप फोकस मोड को एंड करते हैं। जैसे अभी देख सकते हैं सारे जो ऐप है वो ग्रे स्केल मोड में हो गए हैं और उनको अगर आप ओपन करने जाएंगे तो ओपन करने के लिए नहीं देगा, आपको फोकस रहने के लिए ये मोटिवेट करेगा। तो काफ़ी हैंडी फीचर है, आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम करते करते फ़ोन को बार बार हाथ लगाते हैं तो। डार्क मोड का सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है और डार्क मोड आप नोटिफिकेशन टॉगल से ही ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देख सकते हैं सिस्टम वाइड एक डार्क मोड बन के आ गया है, पूरा ही सिस्टम डार्क मोड हो गया है। देखने में काफ़ी कूल भी लग रहा है और क्योंकि ये एमोलेड डिस्प्ले है तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। म्यूजिक शेयर का ऑप्शन भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपका फ़ोन किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर के साथ कनेक्टेड है और आपका एक दोस्त उसके अंदर गाना प्ले करना चाहता है तो वो आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट करके म्यूजिक शेयर को ऑन करके म्यूजिक शेयर कर सकते हैं और वो म्यूज़िक ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर बजेगा, जो कि काफ़ी एक हैंडी फीचर है। आपके दोस्त को आपके ब्लूटूथ में कनेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों इस फ़ोन में आप लोगों को 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले रेट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड है, काफ़ी स्मूथ यूज़ करने में लगता है। लेकिन अगर आपको 90 हर्ट्ज़ यूज़ नहीं करना है, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा बैटरी सेव करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर, डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा मोशन स्मूथनेस, इसको हाई रखेंगे तो ये 90 हर्ट्ज़ पे चलेगा, अगर स्टैंडर्ड रखेंगे तो ये 60 हर्ट्ज़ पे चलेगा। तो जैसा आप रखना चाहते हैं वैसा आप रख सकते हैं। मुझे तो 90 हर्ट्ज़ वाला ही पसंद आ रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीन मोड आप लोग देख सकते हैं, विविड पे रख सकते हैं या फिर नेचुरल रख सकते हैं। मैं जनरली विविड ही पसंद करता हूँ क्योंकि कलर्स थोड़े ज़्यादा पॉप करते हैं। ईजी मोड का ऑप्शन भी आप लोगों को डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आप इजी मोड को इनेबल करते हैं तो यहाँ पे सब कुछ जो है बड़े बड़े बन जाएंगे और किसी बुज़ुर्ग आदमी को अगर आप लोग ये फ़ोन यूज़ करने देंगे तो उनको यूज़ करने में काफ़ी इजी रहेगा और उनको देखने में भी अगर प्रॉब्लम है तो वो इजीली देख सकते हैं। थोड़ा अगर कम देखते हैं तो अगर इस फ़ोन को यूज़ करेंगे तो वो ईजीली देख पाएंगे। एज पैनल का सपोर्ट भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। एज से यहाँ पर आप पैनल निकाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो पैनल है, पैनल के अंदर कुछ क्विक ऐप्स दिए गए हैं, इन ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो इनको एडिट करके स्विच कर सकते हैं। और ये जो यूज़फुल ऐप्स हैं उनको आप यहाँ पर रख के अगर यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एज पैनल ही नहीं, एज लाइटिंग फीचर भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर, नोटिफिकेशन के अंदर। नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रीफ पॉपअप सेटिंग्स करके एक ऑप्शन दिया गया है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एज लाइटिंग स्टाइल आपको पूछेगा कि कैसा एज लाइटिंग आप लोगों को चाहिए। देख सकते हैं उसी तरह का लाइटिंग यहाँ पे हो रहा है। कलर भी आप अपनी पसंद के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से कलरफुल एज लाइटिंग इफेक्ट्स भी आप लोग डाल सकते हैं अगर आपको देखना है, और ये आपको नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन दो स्टाइल यहाँ पे दिया गया है, एक है ब्रीफ और एक है डिटेल। ब्रीफ में देखेंगे तो जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्रीफ पॉप सेटिंग में देख सकते हैं ऐसे छोटा छोटा पॉप आएगा और उसमें नोटिफिकेशन दिखाएगा।
लेकिन अगर आप लोग ब्रीफ को छोड़कर डिटेल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ना ही एज लाइटिंग इफेक्ट्स मिलेंगे और ना ही यहाँ पे छोटा सा पॉपअप विंडो में दिखेगा, ये बड़ा विंडो में दिखेगा आपको डिटेल। फ़ोन के अंदर इनबिल्ट थीम्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। थीम्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे अच्छे अच्छे थीम्स डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आप लोग को वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे वॉलपेपर्स है, बहुत सारे थीम्स है जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ तक कि आइकन्स को सेपरेटली आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्लेज भी दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोग AODs भी चाहिए तो AODs भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री भी है और पेड भी है, मोस्टली आपको यहाँ पे पेड वर्जन मिलेंगे, लेकिन अगर आप ढूंढेंगे तो आपको फ्री वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले चलिए यहाँ पे कुछ डायलर सेटिंग्स देख लेते हैं। थ्री डॉट को सिलेक्ट करके सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट में है रिकॉर्ड कॉल का ऑप्शन, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, रिकॉर्ड कॉल फीचर इंडिया में है और बाकी दूसरे कौन से कंट्री में है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ में ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं रहता है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट में मत पूछिए। और यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन है, ऑटो कॉल रिकॉर्ड या फिर शो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे आप सारे कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर अननोन नंबर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग चाहें तो पर्टिकुलर कुछ नंबर्स पे कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, जनरली जैसा मैं करता रहता हूँ, क्योंकि सभी कॉल को रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है और हर किसी का कॉल रिकॉर्ड मैनुअली करना भी पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इनको कुछ नंबर्स को सेट कर सकते हैं जिनका कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगा। कॉल बैकग्राउंड को आप लोग चेंज कर सकते हैं जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है। लेआउट देख सकते हैं, लेआउट कुछ इस तरह से है, लेआउट को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं चेंज हो रहा है लेआउट, तो अपने पसंद के हिसाब से आप लोग लेआउट चेंज कर सकते हैं। और बैकग्राउंड को आप लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो बैकग्राउंड है, देख सकते हैं इस तरह का वीडियो बैकग्राउंड आप लोग को मिलेगा, जब आप वीडियो में जब आपको कॉल आएगा तब आपको ऐसे वीडियो में दिखेगा। और यहाँ पे आप खुद का इमोजी भी बना सकते हैं, खुद का इमोजी बना के आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं और वो आपका वीडियो में आएगा। चलिए इसको करके आप लोगों को दिखा देते हैं जब कॉल आता है तो कैसा दिखता है। देख सकते हैं जब कॉल आएगा तब कुछ इस तरह का वीडियो डायलर स्क्रीन आपको दिखेगा, जो कि काफ़ी कूल और काफ़ी फंकी मुझे पर्सनली लगा, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप चाहें तो आप अपना खुद का बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं, यहाँ पे ऐड करके सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी करके यहाँ पे खुद का बैकग्राउंड भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिलेक्ट क्रिएट यूजिंग AR इमोजी करके खुद का AR इमोजी बना के आप यहाँ पे बैकग्राउंड में डाल सकते हैं। दोस्तों फ़ोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को एक्सेस करने के लिए आप लोगों को सेटिंग्स के अंदर जाना होगा। लॉक स्क्रीन के अंदर, लॉक स्क्रीन के अंदर आपको देखने को मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और यहाँ पे क्लॉक स्टाइल, क्लॉक स्टाइल के अंदर आप लोगों को कुछ डिफ़ॉल्ट क्लॉक स्क्रीन दिए गए हैं और उसके साथ में कुछ जिप भी दिए गए हैं, इन सब जिप को चाहे तो आप रख सकते हैं, काफ़ी कूल जिप है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जब आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहेगा तब ऐसे जिप आपको दिखेंगे। हालांकि अगर आप लोग चाहे तो ऑनलाइन से डाउनलोड भी कर सकते हैं थीम्स के साथ में, थीम्स के हिसाब से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गैलरी से अगर आपको चूज़ करना है तो गैलरी से भी आप जिप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कुछ और कस्टमाइज़ करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में आप लोगों को जो काम करना है वो है गैलेक्सी स्टोर में जाके गुड लॉक को डाउनलोड करना। गुड लॉक यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो गुड लॉक को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन आप लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लॉक फेस के अंदर आने के बाद आप लोग यहाँ पे क्लॉक फेस चेंज कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। तो देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे और यूनिक ऑलवेज ऑन डिस्प्लेस दिए गए हैं, जो जनरली आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, और ये मैक्सिमम ब्लैक एंड वाइट में है तो देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, और कुछ कुछ कलरफुल भी हैं, साथ में काफ़ी फंकी है, नॉर्मल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छे यहाँ पे ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखते हैं।
देख सकते हैं कैसा लग रहा है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, काफ़ी फंकी और काफ़ी कूल सा है। ये आप लोग गुडलॉक के अंदर जाके ही कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टी स्टार का एक ऑप्शन दिया गया है। मल्टी स्टार के अंदर जाएंगे तो मल्टी टास्किंग आपका काफ़ी ईजी होगा। लॉन्ग लीव ऐप, इसको अगर आप लोग इनेबल करते हैं तो जिस भी ऐप को आप इसके अंदर डालेंगे तो ये ऐप बैकग्राउंड में जाने के बाद भी क्लोज नहीं होगा। मल्टी फोकस एक ऑप्शन है, इसको अगर आप लोग ऑन कर देंगे तो जो भी ऐप बैकग्राउंड में जाने के बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है वो यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा। इमर्सिव मोड एक और ऑप्शन है, इसको अगर आप लोग इनेबल करते हैं तो स्प्लिट स्क्रीन विंडो में आप यहाँ पे ऊपर का जो पोर्शन है नोटिफिकेशंस जो है नोटिफिकेशन लेआउट वो यहाँ पे गायब हो जाएगा। मैं आप लोग अभी करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं मल्टी विंडो मैंने कर लिया है और देख सकते हैं टॉप और टॉप में यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल गायब है और नीचे में नेविगेशन कीज भी गायब है, ताकि आपको एक इमर्सिव फीलिंग मिले। लॉक स्टार के अंदर जाने के बाद आप अपने लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको इनेबल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट लॉक स्क्रीन को आप लोग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लॉक को अपने हिसाब से प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे आपको प्लेस करना है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि कहीं पे एक जगह पे प्लेस हो। और आप यहाँ पे आइकन्स को चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं, क्लॉक को चेंज कर सकते हैं, आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ ऑप्शंस हैं जिनको अगर आप लोग चाहें तो आप कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ आइकन्स हैं, इनको अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे आप ऐप वगैरह ऐड कर सकते हैं, ऐप शॉर्टकट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो जब भी इसको सेव कर देंगे तो आपका लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह से बन जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल ऐप्स हैं, तो मल्टीपल ऐप्स भी यहाँ पे आ गए हैं। तो इस तरह काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन फीचर्स आप लोगों को यहाँ पे गुड लॉक के अंदर देखने को मिल जाता है। होम आपके अंदर जाएंगे तो होम स्क्रीन का कुछ कस्टमाइजेशन फीचर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। शेयर मैनेजर के अंदर जाके आप लोग जब किसी भी फाइल को शेयर करते हैं तो शेयर के अंदर कौन कौन से ऐप्स जो है शो होंगे वो आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट शेयर ऐप्स, इन सब ऐप्स में से कौन कौन से ऐप दिखेंगे वो आप सिलेक्ट करके मैनुअली डाल सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। और दोस्तों इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा सैमसंग गैलेक्सी A52 के टिप्स एंड ट्रिक्स और उसके फीचर्स। मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप लोगों को और भी ऐसे वीडियोज़ देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।